भाजपा रानीखेत में विधायक के टिकट को लेकर चल रही आपाधापी के बीच आज शिव मंदिर रानीखेत में विधायक प्रत्याशी को लेकर पर्यवेक्षक मंडल द्वारा राय शुमारी के लिए बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में भाजपा के मंडल स्तर के पदाधिकारियों से लेकर शक्ति केंद्र संयोजक, जिला पदाधिकारी व प्रदेश पदाधिकारियों द्वारा प्रत्याशी चयन हेतु मतदान किया गया। आज दोपहर रानीखेत पहुंचे भाजपा के पर्यवेक्षक के रूप में हयात सिंह मेहरा व गणेश टुकराटी उपस्थित रहे। इनके साथ भाजपा के जिला अध्यक्ष रवि रौतेला, महामंत्री प्रेम शर्मा और महेश नयाल द्वारा शिव मंदिर हॉल में कार्यकर्ताओं की बैठक ली गई। बैठक में केवल अपेक्षित लोगों को ही प्रवेश की अनुमति दी गई तथा अन्य सभी को हॉल से बाहर कर दिया गया। वहीं टिकट के दावेदार अपने समर्थकों सहित शिव मंदिर हॉल के बाहर डेरा डाले रहे, जबकि हॉल में गुप्त रूप से मतदान करवाया गया। बैठक में पर्यवेक्षक हयात सिंह मेहरा व गणेश टुकराटी सहित जिला अध्यक्ष रवि रतेला ने एक स्वर में कहा कि पार्टी द्वारा अभी तक 4 से 5 सर्वे करा लिए गए हैं तथा विधानसभा की स्थिति की पूरी जानकारी पार्टी के पास आ गई है, लेकिन कार्यकर्ता किसे अपना विधायक चाहते हैं उसकी राय शुमारी जरूरी है ताकि सर्वमान्य व्यक्ति को पार्टी का टिकट मिल सके। वहीं वक्ताओं ने कहा कि जिसे भी टिकट मिलेगा सभी को एक होकर उसका साथ देना है ताकि रानीखेत सीट भाजपा जीत सके। मंडल के पदाधिकारी, सोशल मीडिया प्रमुखता, एक मंडल से 15 लोग, आप लोगों को पूर्व भी सूचना दी गई थी कि ये लोग अपेक्षित रहेंगे। अभी ये हमारे इसके लिए बैलेट है, एक में से अभी 4 निकालेंगे। इस बैलेट के आधार पे 3 प्रत्याशियों का रायशुमारी में नंबर 1 इसमें लिखा है विधानसभा चुनाव वर्ष 2022 हेतु प्रत्याशियों के संबंध में रायशुमारी, विधानसभा चुनाव वर्ष 2022 हेतु विधानसभा का नाम रानीखेत, विधानसभा क्रमांक 50 से प्रत्याशी हेतु मेरी राय नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, 3 राय की आखिर में 3 लोगों का पैनल भेजना है। प्रत्याशी हो सकते हैं 10 हों, हो सकते हैं 12 हों, हो सकते हैं 5 हों, लेकिन जिसके पक्ष में 3 लोगों की, 3 जो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड जिनकी राय जिनके लिए ज़्यादा होगी वो नाम हम पैनल में फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड में भेजेंगे, मतलब प्रदेश भेजेगा। और इसके लिए बॉक्स आया, बॉक्स कहाँ पे आया है? हाँ, जैसा जी बॉक्स रखा हुआ, अभी हम इसको सील करके, बॉक्स रखा होता है, इसको सील करके इसमें सबका मतदान, यही इसमें हम सबके मतदान इसको वो करेंगे, सील करके सबके सामने, सर यहाँ दिखा दो, जैसा जी यहाँ इनका मतदान अपना मत वो करके इसको सील कर दो, इसको सील कर दो, अभी रख दो, कोई बात सील करने के उपरांत आपके जितने प्रत्याशी हैं उनका साइन, हमारे पर्यवेक्षकों के साइन, जिला अध्यक्ष के साइन करने के उपरांत इसको सील करने के उपरांत प्रदेश में खुलेंगे। और आप इस बात का भरोसा मानो कि जो भी हमारे यहाँ से 3 नाम प्रमुखता से जाएंगे, क्योंकि देखो हर भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता विधायक के बराबर, वो कहीं भी डिबेट में बढ़ा लो, कहीं भी कुछ काम करवा लो, क्योंकि संगठन में धीरे धीरे चढ़ के सब कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे। लेकिन एक पार्टी ने इस बार सिस्टम ही किया, जो सर्वे चल रही है उन सर्वे के आधार पर सारी चीज़ें, भारतीय जनता पार्टी आज की डेट में इस बात की आपकी बार 60 पार का नारा है, आपकी बार 60 पार करने के लिए जो फैसले लेने पड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी को फैसले लेगी, और पार्टी इसमें जो होगा वो पार्टी वो काम करेगी। इसलिए आपके बीच में काल के दिन में ये ना कर, हमारे बीच में अपने पंजी भी हैं, आप एक इनकी कुर्सी भी मत करिए, लगा दो, आप अभी हमारे छावनी परिषद का उपाध्यक्ष, आपकी कुर्सी भी आ जाए, इनके कुर्सी लगा दो, हाँ वर्तमान ये है, वर्तमान है आपकी कुर्सी, आप लाओ पुलिस कुर्सी लगा दो ना, तो सॉरी, तो मैं ये कह रहा हूँ कि कल के दिन में हमारे कार्यकर्ता ये ना कहें कि भाई हमने जो है हमारी राय सुनी नहीं थी और इसमें किसी का नाम नहीं है, चीज़ें गोपनीयता सबकी बनी रहेगी, ऐसा नहीं कि किसी का नाम बोल रहे हैं। और एक कमरे के अंदर, कमरा कर रखा है ना प्रेम जी, सर एक कमरे के अंदर वहाँ आपने 3 नाम लिखे, बॉक्स के अंदर डाले, उसमें आप दोनों और एक में अलग बैठे रहेंगे, वो अपना गुप्त मतदान करने के बाद इसमें डालेंगे और यही हम इसको आज यहाँ से ले जाके हमारे पर्यवेक्षक यहाँ से ये ले जाएंगे प्रदेश को और प्रदेश को सौंप देंगे। अभी तक हम कल हमारी सुबह 10 बजे जागेश्वर विधानसभा की, जागेश्वर में ब्लॉक सभागार में हमने रायशुमारी ली, अल्मोड़ा में बीजेपी कार्यालय में कल हमने 2 बजे से रायशुमारी ली, आज
10 बजे मझखाली में सुमसा विधानसभा की रायशुमारी हुई और आज अभी 2 बजे से हमारा यहाँ पे रायशुमारी का कार्यक्रम था और रानीखेत विधानसभा की, और 9 तारीख को बलराज पासी जी और तरुण बंसल जी सुबह 10 बजे द्वाराड़ विधानसभा की अपने चकुटिया में इस रायशुमारी को लगे, और शाम को 2 बजे मान्यता देवी मंदिर में सठ विधानसभा की इस रायशुमारी में करके 6 की 6 विधानसभा की रायशुमारी हमारी 9 तारीख तक प्रदेश में चली आई। फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ, रानीखेत विधानसभा में आप लोगों को पता है पिछला चुनाव हम यहाँ लॉस करें बगैर विधायक के क्या परिस्थितियाँ होती सरकार में, जबकि हमारे पास 57 सीटें थी। दुर्भाग्यवश हम इस सीट को हार गए, पूरे प्रदेश अध्यक्ष हमारे राजे भट्ट जी थे और हम इस सीट को हार गए, हमारा दुर्भाग्य है। ठीक, फिर कार्यकर्ताओं को पूरे मनोयोग से काम करना है। प्रत्याशी कौन होगा इसमें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, प्रत्याशी कौन होगा अपनी राय दो। पार्टी जो सर्वे चल रही एक, और जो ये सर्वे कार्यकर्ताओं के सर्वे, इसके आधार पर मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि अच्छे प्रत्याशी को आपके बीच में उतारेगी। लड़ाई तब तक जब तक टिकट नहीं बटाए, टिकट बटने के बाद एकजुट होकर रानीखेत विधानसभा में कमल खिलाना है, अब की बार 60 बार के नारे को सफल करना है, और जो हमारा क्या कहते हैं हमारा प्रदेश नेतृत्व है और हमारे पर्यवेक्षकों के मध्य आप लोगों की अच्छी राय जाए और जीतने वाला प्रत्येक, भाई देखो मैं अध्यक्ष हूँ,